फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है प्रॉफिट ट्रेडर्स। तो दोस्तों, बिटकॉइन गिर रहा है, ओके। बट अगर तुम देखोगे तो यार, बिटकॉइन इनफैक्ट अगर गिर भी रहा है ना, तो ये बहुत बहुत कम है कंपैरेटिवली टू स्टॉक मार्केट, ओके। ये बुलिशनेस हम लोग जो बिटकॉइन में देख रहे हैं, तुम अगर देखोगे, हम लोग कुछ 1% नीचे है स्टिल, $16,600 के पास स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ चुकी है, धज्जियां। 600 पॉइंट स्टॉक मार्केट नीचे है और बिटकॉइन हिला भी नहीं। तो भैया, ये तुम्हें बता रहा है कि बिटकॉइन नीचे जाने के मूड में है ही नहीं। आने वाले कुछ दिनों में हम लोग एक मैसिव मूव देखने वाले हैं, और जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, $18,800 हमारा टारगेट रहने वाला है, ओके। इतनी स्ट्रेंथ भैया, अब ये सिर्फ एक ही वजह से है कि अब सेलर्स इस प्राइस को और नीचे पुश नहीं कर पा रहे हैं, राइट। और यहाँ पे जो है वो फुल मोमेंटम बन रहा है कि भैया बिटकॉइन के प्राइस को ऊपर पुश किया जाए। और ये सिर्फ टेक्निकल्स नहीं, फंडामेंटल्स भी बोल रहे हैं, ओके। फंडामेंटल्स में पहले एक हम लोग एक छोटी सी बुरी न्यूज से शुरू करते हैं, जहां ब्रिटिश कोलंबिया बोल रहा है कि मैं माइनस को पावर नहीं दूंगा, ओके। बट उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगेन, अगर माइनस कम हुए तो बिटकॉइन का जो क्या कहते हैं उसको, कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है, हैशिंग पावर, वो कम हो जाएगा, ओके। और कम माइनर्स जो है वो और इजीली उसे माइन कर पाएंगे। सो बिटकॉइन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इससे, ओके। एक बुरी खबर, लेकिन अच्छी खबरें देखो कितनी है भाई। ब्राजीलियन प्रेसिडेंट ने बिल जो है वो साइन कर दिया है कि बिटकॉइन अब एक पेमेंट की तरह रेगुलेटेड हो गया है। सो बहुत बहुत मैसिव न्यूज, ओके। दूसरी चीज अगर तुम देखोगे तो यार, बिटकॉइन में एक डेथ क्रॉस आ रहा है, ओके। ये ईएमए 50 और 200 ईएमए के बीच में है, ये पहली बार आ रहा है। अब यहाँ पे वही है, सब लोग उम्मीद क्या कर रहे हैं कि एक तो देखो वॉलेटिलिटी मर चुकी है, ओके। अब वॉलेटिलिटी खत्म, तो मेरे भाई ऊपर से डेथ क्रॉस, अब यहाँ बिटकॉइन जो है और स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है, तो बिटकॉइन भी $11,000 पे जाएगा। मेरा ऐसा मानना नहीं है, मुझे लगता है नेक्स्ट टारगेट $20,000 है, ओके। बाकी देखते हैं कैसे होता है, अगेन ये मेरा मानना है। और अगेन, हम लोग अभी ट्रेड लेने की हालत में है ही नहीं, तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि ट्रेड लो, लेकिन डीसीए करते रहो मेरे भाई, वो बिल्कुल मत रोकना, वो करते रहो, ओके। एफटीएक्स की ऐसी तैसी फेर दी भैया उसकी सहेली ने, वो कह रही कि सब गलती जो है वो एफटीएक्स ने, अपना कौन है वो, सैम, तो वो बोलती है कि भैया सब गलती उसी की है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, और सब इल्जाम जो है वो उसके ऊपर डाल दिया गया है। सुबह तेज है ये बंदी, अब देखो भैया ऐसा थोड़ा बच के रहा करो ऐसी लड़कियों से, ओके। नेक्स्ट हम लोग देखें तो बिटकॉइन अडॉप्शन और बढ़ रहा है। एक बंदा जिसका बैंक अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया गया था, उसने बोला मुझे पैसा बिटकॉइन में ही दो, मुझे सैलरी बिटकॉइन में ही दो, मुझे चाहिए ही नहीं कैश, ओके। इशू रिजोल्व हुआ, उसका अकाउंट ओपन हुआ, बट स्टिल टिल डेट वो सैलरी बिटकॉइन में ही ले रहा है। और यही बिटकॉइन का सबसे बड़ा फंडामेंटल है कि तुम किसी का भी बिटकॉइन किसी से छीन नहीं सकते हो। एक बार तुम्हारे वॉलेट में आ गया, उसके बाद मेरे भाई जब तक तुम खुद खुशी से हैक नहीं होना चाहोगे, कोई तुम्हारा बिटकॉइन नहीं छू सकता। तो बहुत जबरदस्त। नेक्स्ट न्यूज हम लोग देखें तो लैटिन अमेरिका में स्पेशली क्रिप्टो अडॉप्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है इस साल, आई मीन 2022 में 40% वो बड़ा। वजह बहुत सिंपल थी, इन्फ्लेशन, उनकी करेंसी की बैंड बज रही थी, तो भैया उनको समझ में आया कि पैसा हमारा सिर्फ और सिर्फ बिटकॉइन में ही बच सकता है और कहीं पे भी नहीं। सो अगेन, मैं वही कह रहा हूँ, बिटकॉइन का प्राइस कहीं पे भी जा रहा हूं, तुम फंडामेंटल्स देखो, तुम अडॉप्शन देखो, ओके। और सिर्फ ये मेरा मानना नहीं है, अभी 40% लोग और ऐसे हैं जो क्रिप्टो बाय करेंगे 2023 में। देखो, हर किसी को पता है, एटलीस्ट जितने लोगों ने ये साइकिल देख लिए, जिन्होंने नहीं भी देखा, मैं 2017 में आया था, छोड़ गया 2020 में आया, 2020-22 दो साल की बेयर मार्केट, एक साल का बुल रन, दोनों देखे, ओके। मुझे पता है वो बुल रन वापस फिर आएगा, मुझे पता है मुझे उसके लिए तैयार कैसे होना, अभी से डीसीए करके मुझे पता है मुझे नेक्स्ट बुल रन में क्या करना है भैया, प्रॉफिट्स लेने हैं। सो ये सब चीजें तुम तभी सीखते हो जब तुम मार्केट में रहते हो, अगर छोड़ के भाग जाओगे तो नहीं सीख सकते। और ये 40% लोग वही है, ओके। ये वही लोग हैं जिनके पैसे उनकी सरकार ने छीन लिए, ये वही लोग हैं जिनके अकाउंट्स बैंक्स ने फ्रीज कर दिए, ये वही लोग हैं जिनको वॉर में अपने पैसे निकालने का मौका ही नहीं मिला, ये वही लोग हैं जिनको सरकार ठगती आ रही है। मेरे भाई, बिटकॉइन फ्रीडम है, ज्वाइन करो यार, ओके। और ज्वाइन करने का सबसे पहला स्टेप है चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर बात करो, ओके।
इसके बाद हम लोगों ने बात की जैसे कि अब बिटकॉइन की वॉल्यूम जो है वो बहुत कम है, सो लोग काफी बेरिश है कि यहाँ से बिटकॉइन वापस नीचे जाएगा, बट मुझे वही लगता है कि नहीं, इतनी स्ट्रेंथ वो भी जब मार्केट की धज्जियां उड़ गई हो भैया, अब तुम बिटकॉइन को नीचे नहीं भेज सकते हो, 18,800 डॉलर्स हमारा नेक्स्ट टारगेट रहने ही वाला है। ओके, ओवरऑल स्टॉक मार्केट की धज्जियां उड़ी है, बट बिटकॉइन सॉरी क्रिप्टो मार्केट सिर्फ 1% नीचे, बिटकॉइन तुम देख सकते हो 1% भी नीचे नहीं है, इनफैक्ट उससे भी कम, इथीरियम 1.5, बीएनबी 2, स्टिल बीएनबी बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम लोग अभी भी 200 डॉलर्स के नीचे का वेट कर रहे हैं मेरे भाई, देखो वो हाई नहीं रहा है। ओके, मैटिक 1.5% नीचे, कुछ टोकन जो अच्छा कर रहे हैं अभी भी 55 सेंट्स पे, क्या कर रहा है क्या नहीं भगवान जाने, लेकिन ऑलमोस्ट अगर तुम देखोगे तो कुछ ही टोकन जो है वो ग्रीन में है, वो भी बहुत कम, सो मार्केट स्टिल बुरी है, बट स्टॉक मार्केट के कंपैरेटिवली स्टिल हम लोग अच्छा कर रहे हैं। ओके, कुछ टोकन जो न्यूज में है उसमें एक्सआरपी, जहां दुबई के रियल एस्टेट डेवलपर ने एक्सआरपी को एज अ पेमेंट लिया, भैया एक्सआरपी के लिए बहुत जबरदस्त न्यूज। दूसरी एवलॉन्च जो है वो लगातार डेवलपमेंट कर रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ देखो लूना पिक्चर से बाहर हो गया, सोलाना में लोग पैसा डालने से डर रहे हैं, तो फ्यूचर किसका ब्राइट है भैया इसका। और ये टोकन भी तुम्हें कहाँ पकड़ना है, फिलहाल अगर तुम देखते हो तो ये 13 डॉलर्स के नीचे है, तो जिसका मतलब क्या है तुम्हें ये 9 साढ़े 9 डॉलर्स के बीच में पकड़ना है इस टोकन को, उसके पहले पकड़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, ओवरऑल स्टॉक मार्केट की बहुत सॉलिड बैंड बजी है, बट क्रिप्टो मार्केट स्टिल बहुत रिजिलियंट है, और मुझे लगता है भैया आने वाले समय में हम लोग, आने वाले समय क्या मतलब 1-2 दिन में हम लोग एक बहुत अच्छी ग्रीन कैंडल देखने में है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, तुमसे कल मुलाकात होगी दोस्तों, थैंक यू सो मच।